नमस्कार, मैं नीरज कुमार राठौर। आज घमासान.com के स्टूडियो में इंटरनेशनल माइग्रेशन के एक्सपर्ट, जो कि माइग्रेशन पे ऑलरेडी पीएचडी कर चुके हैं इंग्लैंड से, डॉक्टर डीके नायक साहब आज हमारे बीच में हैं। डॉक्टर साहब, ये इंटरनेशनल जो माइग्रेशन है, ये सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, ये एक ग्लोबल इशू बन चुका है। यूएनओ ने रिफ्यूजी के प्रोटेक्शन के लिए जेनेवा में एक हेडक्वार्टर भी स्थापित किया है, क्योंकि हर साल लाखों रिफ्यूजी और लाखों माइग्रेंट एक्सप्लॉइट हो रहे हैं और एक बहुत ही बिग इशू बन चुका है ये। तो इसमें आपका स्टडी है, तो इस इशू को इंटरनेशनल लेवल पे कैसे हैंडल किया जाए यूएनओ के द्वारा और सारी कंट्रियों के द्वारा, इसके बारे में आपका क्या व्यू है? ये बहुत ही हीटेड टॉपिक है एक्चुअली, इंटरनेशनल माइग्रेशन। देयर आर सो मेनी रीजंस टू माइग्रेट। जनरली इंडिया से जो माइग्रेशन होता है अब्रॉड की तरफ, होता है इकोनॉमिक। हमारे यहाँ पर ज़्यादा क्राइसिस नहीं होते हैं, और जैसे हमने रिसेंटली देखा है सीरिया में, और जो भी इस तरह की ना अराजकता से या फिर एक तरह की हिंसा से जो लोगों को डिस्प्लेस होना पड़ता है अपने खुद की कंट्री से, अपनी सोसाइटी से, तो वो एक तरह का एक नया ऑब्लिगेशन होता है वेस्टर्न वर्ल्ड पर, चूँकि लोग जनरली वेस्टर्न कंट्रियों की तरफ भी माइग्रेट होते हैं। तो ये हमने एक नया ट्रेंड देखा, बहुत लंबे समय चला है, कितने लोगों आपने डूबते देखा होगा मटेरियल सी में। तो ये तो इशू है ऑफकोर्स, ये इंटरनेशनल क्राइसिस का एक बड़ा रीज़न ही बन गया। अब चाहे आप यूएस में देखें, जो ट्रंप मेक्सिको के अगेंस्ट जो वॉल खड़ी करने की बात करता है, तो वो अपने आप में सुबह शाम आपको दिखाई देता है न्यूज़ पे, वो भी इंटरनेशनल माइग्रेशन को रोकने के लिए है। और जो आप देखते हैं ब्रेग्जिट जो चल रहा है ब्रिटेन में, वो भी उसके पीछे कहीं ना कहीं जो रेफरेंडम हुआ था उसके पीछे माइग्रेशन का बहुत बड़ा इशू था, कि वो नहीं चाहते थे कि शेयर करें उसमें जो थर्ड वर्ल्ड की पॉपुलेशन आ रही थी माइग्रेट हो करके। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट तो ओवरऑल सारी कंट्रियों पर है माइग्रेशन का, फ्री मूवमेंट का। अब हम जब थर्ड वर्ल्ड की बात करते हैं, थर्ड वर्ल्ड में पर्टिकुलरली इंडिया काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, फिर भी इकोनॉमिक माइग्रेशन का ट्रेंड तो बढ़ता ही चला जा रहा है। स्टूडेंट माइग्रेशन इसका एक पार्ट था, जिसको लेकर के मैंने अपनी रिसर्च भी की थी। इट वॉज डन इन 2010 and 2016 इन इंग्लैंड, एंड आई फाउंड सो मैनी यू नो इंटरेस्टिंग पॉइंट इन दैट पर्टिकुलर रिसर्च। सो इट वॉज लार्जली बेस्ड ऑन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन देयर सोशल रीजन्स वाई दे चोज टू गो अब्रॉड एंड इंस्टेड ऑफ स्टडिंग इन इंडिया। तो वो एक अलग इशू था। और जब हम बहुत ब्रॉड परस्पेक्टिव की बात करते हैं, तो यहाँ पर होता है कि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी होती है अपने खुद के होमलैंड में, अगर सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं होती तो लोग माइग्रेट करते हैं। ये जनरली अफ्रीका और मिडिल ईस्ट का एक बड़ा रीज़न है। मेक्सिको भी इसी तरह के क्राइसिस से फेस कर रहा है, और इंडिया और साउथ एशिया में बहुत अच्छी बात यह है कि इंडिया चूँकि एक बहुत ही यूनिक कंट्री है और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो यहाँ पर जनरली लोग क्राइसिस के बेसिस पे माइग्रेट नहीं होते, इकोनॉमिक माइग्रेट होते हैं। और अभी रिसेंटली एक जो कल की न्यूज़ है, इसमें एक यूनिवर्सिटी अमेरिका ने एक स्टिंग ऑपरेशन के थ्रू एक फर्जी यूनिवर्सिटी क्रिएट की और लोगों को लेकर आया, तो उसमें भी यही फाइंडिंग निकली कि अल्टीमेटली जो स्टूडेंट हैं वो स्टूडेंट वीज़ा को एक्सप्लॉइट करना चाह रहे थे और वहाँ पर रहकर के अल्टीमेटली अपने लाइवलीहुड के लिए वहाँ पर माइग्रेट हुए थे। देयर आर सो मेनी रीजंस व्हाई पीपल माइग्रेट पर्टिकुलरली इन इंडिया, क्योंकि इंडिया में जो वेल एजुकेटेड पीपल हैं उनके लिए उनकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं हो पाती है। लोग अब्रॉड जाते हैं तो अब्रॉड जाते हैं उन्हें काफ़ी सोशल सिक्योरिटीज़ मिलती हैं, अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, काफ़ी पैसा बना सकते हैं, वो इसी परस्पेक्टिव में वो लोग माइग्रेट होते हैं। बाकी इंडिया इतना कोई बड़ा क्राइसिस फेस कर नहीं रहा है, इंडिया में काफ़ी अच्छी यंग पॉपुलेशन है जो अभी स्टार्टअप कल्चर को कंज्यूम करते हुए अपने खुद का एक्सप्लोर कर रही है कैरियर को, अपॉर्चुनिटीज़ को। सो तो इंटरनेशनल लेवल पे माइग्रेशन एक बड़ा हीटेड टॉपिक है अनडाउटली, बट इन इंडिया इट इज़ नॉट अ बिग क्राइसिस एट ऑल, इंडिया इज रियली इम्प्रूविंग वेल। ये देखने में आ रहा है कि इंडिया से जो स्किल्ड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा फॉरेन जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, और यूएसए हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, वो उनको हाथों हाथ ले भी रहे हैं, क्योंकि उनको स्किल्ड हाई स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है ऑलरेडी वहाँ के मार्केट में, लेबर मार्केट में। और भारत सरकार उसको बता रही है ब्रेंड रेंड, वो कह रही है कि हमारे यहाँ से स्किल लोग यहाँ पे टिक ही नहीं रहे और वो वहाँ जा रहे हैं। तो हमारा जो रिसोर्सेस है, ह्यूमन रिसोर्सेस, जो इंडिया में रह के भी काफ़ी कुछ कर सकता था, वो अपनी सेवाएँ जो है वेस्टर्न कंट्रीज को दे रहा है। तो इससे क्या फ्यूचर में कोई इशू आएगा क्या गवर्नमेंट को, या हमारे देश के लिए ये कोई मुद्दे वाली बात है क्या?
एक्चुअली क्या होना चाहिए, ये इंडिया में एजुकेशन की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, काफ़ी हमको ये बोला जाता है कि ये एक ऐसा द्वीप है जहाँ पर IIM और IIT जैसे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और हमारे यहाँ पर क्या कि एजुकेशन का मार्केटाइजेशन हो गया है. इन द सेंस यू कैन सी सो मेनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर ग्रोइंग अराउंड, यू कैन सी पब्लिक यूनिवर्सिटीज आर ग्रोइंग अराउंड, बट वी डोंट हैव मच अपॉर्चुनिटीज फॉर वेल एजुकेटेड पीपल. और हम लोगों को एजुकेशन तो देते हैं, बट वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग देम क्रेडेंशियल्स, फॉर एग्जाम्पल डिग्रीज ओनली. वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम गुड एजुकेशन इन टोटल. दे आर नॉट हैविंग गुड स्किल्ड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एट यू नो एट द यूनिवर्सिटीज और इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस. तो हम उन्हें एजुकेशन इन ब्रॉडर टर्म वी आर नॉट प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, वी आर जस्ट प्रोवाइडिंग देम डिग्रीज इन मेनी वेज. इट इज़ अ काइंड ऑफ फार्मूला दैट यू नो ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज आर ऑल्सो we are also promoting universities to just go and sell their degrees and you know attract many students and you know have that kind of experience they wanted. But ab agar hum India ki baat karte hain to logon ke paas kya hota hai ki education to hai, degrees bhi hain, universities, private universities, public universities, they are producing more and more graduates, but we don't have that much of capacity to absorb that kind of skills. So they don't have kind of, you know, the people who are well educated, the people who can afford to go abroad, they don't have kind of, they don't feel that they have more opportunities in India. That's why they are trying to grab opportunities abroad. But in abroad as well, it is not very easy to go. For example, mostly people want to go abroad in Anglophone countries, for example, UK, US, Australia, Canada. But now you can see, you know, it is very difficult. You have to spend a lot of money. So it is not, you know, you can say people, you know, India is draining its skilled people. No, I won't say. There are structural barrier in place. Agar aap chahenge England jana ho, US jana ho, Canada ya Australia jana ho, it is not easy at all. You have to have a lot of money. You need to prove that you are skilled enough to adjust into that society. और माइग्रेशन ये भी टेम्प्ररी होता है अगर एजुकेशन के लेवल पे जाते हैं, पर जो आप बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट. फॉर एग्जांपल H1B1 वीज़ा इज़ गेटिंग डिफिकल्ट इन US, इन UK इट्स आल्सो वेरी डिफिकल्ट. यू हैव टू प्रूव दैट यू आर वेल क्वालिफाइड, यू हैव इनफ स्किल्स क्रेडेंशियल्स, ओनली देन यू कैन गो. तो ये जो मुद्दा है वो ब्रेन ड्रेन वाला जो एक बड़ा है कि बहुत लार्ज अमाउंट पे बच्चे बाहर जाते हैं और वहीं रह जाते हैं, इट इज़ नॉट गेटिंग. Instead, what we are doing is, you know, most of the students go abroad, they get their education, they want to stay there, but they can't stay there, they have to come back, and this is how they are benefiting our society. So it is the time of return migration rather than brain drain, I would say. That's why I have to ask you another important question, that Punjab and Gujarat has been a lot of migration from there, and unskilled people are also going a lot, and they are going a long time in foreign. ये लोग वहाँ पर आज भी अनस्किल्ड वर्कर के तौर पर ही काम कर रहे हैं, और इन लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि इनका इंटेंशन ये होता है कि वीज़ा एक्सपायर होने के बाद भी और स्टे करना और कैसे भी करके इकोनॉमिक बेनिफिट लेना वहाँ से. तो ये किस हद तक, मतलब इनका एक आकलन आप करके बताएंगे कि ये लोग जो कर रहे हैं वो सही है, और इससे हालांकि भारत की भी बदनामी हो रही है, तो आपका क्या व्यू है पंजाबी कम्युनिटी और गुजराती कम्युनिटी के बारे में? एक्चुअली इट इज सब्जेक्ट ऑफ रिसर्च. हम जनरली किसी कम्युनिटी बेस्ड पर आक्षेप ना करें कि भाई वो पर्टिकुलर कम्युनिटी जाती है. एक्चुअली क्या दे आर हैविंग दे आर यू नो वो वेस्टर्न उनकी सपोज हम कम्युनिटी को सेगमेंट में बांट देते हैं कि भाई सपोज गुजरात मान लिए, गुजरात में बहुत सारे सिटीज़ होती हैं जहाँ पर लोग अब्रॉड जाते हैं, वहाँ से अब्रॉड से जा करके जो उनका पैसा आता है भाई, है ना, तो जो पैसा आता है उस पैसे से वो अपनी वेल्थ शो करते हैं. शो करने से क्या होता है, एक तरह का कल्चर ऑफ माइग्रेशन क्रिएट होता है. साउथ में हैदराबाद में अपने देखेंगे एक रिसर्च पेपर है जो बोलता है कि ना हैदराबादी पीपल आर फेसिंग कल्चर ऑफ माइग्रेशन. इफ दे डोंट गो अब्रॉड इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर दोज पीपल. They can't really, you know, live like a proud family. तो ये तरह का एक कल्चर बन जाता है पंजाब में, गुजरात में, और साउथ इंडियन जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं बहुत सारी है जो नर्सिंग और दूसरी एजुकेशन सेक्टर को भी एक्सप्लॉइट करके बाहर जाते भी हैं. बट क्या होता है कि इट वॉज ए काइंड ऑफ सब्जेक्ट टू फर्स्ट जनरेशन माइग्रेशन एंड सेकेंड जनरेशन माइग्रेशन. इट इज़ नॉट हैपनिंग अ लॉट नाउ इट इज़.
जनरली हमारा जो अभी माइग्रेशन हो रहा है वो एजुकेशन के पॉइंट थ्रू हो रहा है, तो जो स्टूडेंट माइग्रेशन स्टूडेंट वीज़ा है वो एक बड़ा रूट बना हुआ है माइग्रेशन का, बट इट हैज़ सर्टेन लिमिटेशंस, यू कैन नॉट मीन दूसरी वेस्टर्न कंट्री में होगी, इसको उन्होंने इसको डिसकनेक्ट कर दिया है सेटलमेंट से, तो इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ डिसएडवांटेज, पीपल डोंट वॉन्ट टू गो एंड यू नो स्पेंड लॉट ऑफ मनी ऑन स्टूडेंट वीज़ा इन अब्रॉड इन पर्टिकुलरली ब्रिटेन एंड US। तो हम हमारा पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहिए कि हम हमारे लिए ये आने वाली इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिशियल होगा कि हम उस जो पर्टिकुलर जो रिटर्नी है अब्रॉड से आ रहे हैं हम उनको अच्छी और अच्छा प्लेटफॉर्म दें, अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड करें जिससे वो अपने खुद की स्किल्स और अपने जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है उसका यूज़ करके सोसाइटी को बेनिफिट दें, और स्टार्टअप कल्चर यू नो हेल्प कर रहा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और गवर्नमेंट भी सपोर्ट दे रही है, काफ़ी फंड अवेलेबल है, नीति आयोग है जो इस तरह के जो नॉलेज बेस को अप्रिशिएट करता है, तो दे वी आर हैविंग गुड फीडबैक फ्रॉम दोज कमिटीज, सो आई वुडंट से दैट यू नो ओनली पंजाबी कमेटी गुजराती फैमिली पीपल आर यू नो ब्रिंगिंग यू नो डिसलाइक्स और डिसफेम टुवर्ड्स इंडिया, आई वुडंट से दैट। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एमपी गवर्नमेंट की पॉलिसी में भी माइग्रेंट्स को एज ए रिसोर्स माना गया है कि जो एमपी के और इंडिया के लोग जो फॉरेन में सेटल हैं वो अपने देश और स्टेट के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2-3 कार्यक्रम भी हुए हैं, NRI सम्मेलन भी हुए हैं, इवन लास्ट ईयर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे पिछली गवर्नमेंट के, उन्होंने भी इंदौर में एक होटल मेरियट में एक कार्यक्रम किया था जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के जो लोग फॉरेन में सेटल हैं या जो फॉरेन में जॉब्स कर रहे हैं उन लोगों से आह्वान किया था कि वो आए और मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में योगदान दें। तो क्या गवर्नमेंट के ऐसे प्रयासों से स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की इकोनॉमिक सेहत में कुछ सुधार होगा? हाँ ऑफकोर्स, देखो गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज कर रही है इन सारे फैक्ट को कि कितने लोग वापस आते हैं, उनकी भी अपनी पर्टिकुलर नीड्स हैं, और एक्चुअली क्या होता है कि कैपिटल की अवेलेबिलिटी हो रही है, गवर्नमेंट स्कीम्स बना रही हैं उस पर्टिकुलर नॉलेज बेस को यूज़ करके अपने सोसाइटी और इकोनॉमी का ग्रोथ करने के लिए उनका उनके इंटेलेक्चुअल पावर का यूज़ किया जा रहा है, इट्स रियली वेलकमिंग, बट क्या होता है कि इट इज़ नॉट इनफ एज वेल, बिकॉज द पीपल हु आर एडवांटेज्ड दे विल गेट द एडवांटेज ऑफ दोज अपॉर्चुनिटीज़। अब मैं बोलूँगा कि अगर एक लार्ज अमाउंट में अगर स्टूडेंट वापस आ रहा है इंडिया में तो अल्टीमेटली उनकी खपत के लिए किया जाए क्या किया जा रहा है, तो सोसाइटी में हमारी सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो आकर के सीधे सीधे हमारे लिए एक रिसोर्स बन जाए, बट यू नो दे आर स्टिल पीपल, दे आर स्टिल विद द नॉलेज, दे आर स्टिल द पीपल विद द नॉलेज एज वेल एज द पीपल विद द स्किल्स, बट स्टिल दे नीड सपोर्ट फ्रॉम सोसाइटी एज वेल एज कम्युनिटी एंड इन गवर्नमेंट। और क्या होता है कि हमारे कुछ स्ट्रक्चरल ऐसे बैरियर हैं जहाँ पर पॉलिटिक्स का कुछ इश्यू बनता है, जहाँ पर अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, जहाँ पर वर्क कल्चर में एक्सप्लॉयटेशन की भूसरे देते हैं ना, और लूप होल्स हैं जहाँ पर हमको अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिलता है। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि ये जो स्किल्ड पीपल हैं वो ऑलरेडी एक अब्रॉड में जाकर के बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको वर्क कल्चर अच्छा पसंद आता है, उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई रहती है क्योंकि वो जो पार्ट टाइम में जो कमाते हैं वो यहाँ फुल टाइम में भी नहीं अर्न कर पाते हैं, तो उनकी एक्सपेक्टेशन को देखते हुए उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे प्लेटफॉर्म को आप मिस करेंगे अगर आप अब्रॉड गए और वापस आते हैं, देन यू विल फेस सो मेनी डिफिकल्टीज इन टर्म्स ऑफ हाउ टू रिकनेक्ट विद द सोसाइटी, क्योंकि जब आप अब्रॉड जाते हैं तब आप अपनी सोसाइटी को पीछे छोड़ करके वहाँ के लोगों से कनेक्शन बनाते हैं, ठीक है, और जब आप वापस आते हैं तो आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर कनेक्शन को बनाए रखें, प्लस इंडिया में भी आकर के अपने जो रिसोर्सेज हैं और जो उनका खुद का अपने क्वालिफिकेशन है उसको यूज़ किया जाए इंडियन सोसाइटी में, पर कहीं ना कहीं एक तरह का मिसिंग है, मतलब उन लोगों को कनेक्शन नहीं मिल पाता इंडिया में, ये बड़ा डिसएडवांटेज है। अभी भी ये देखने में आया है कि यूथ एक फॉरेन जाने का सपना अभी भी अपने मन में संजोए हुए हैं और वो अपने देश के लिए कुछ नहीं करना चाहते। आज भारत सरकार स्टार्टअप योजना लेके आई है, स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत सारे लोन में सब्सिडी दे रहा है, फिर भी यूथ के मन में ये सब चीज़ें ठुकरा के आज भी यही बात आ रही है कि मैं फॉरेन जाऊं और मैं फॉरेन में कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूं या वहीं सेटल हो जाऊं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब यूथ यहाँ फैसिलिटी होने के बावजूद भी फॉरेन जाने का उसके मन में अभी भी क्यों एक वो चल रहा है? नाउडेज वी आर लिविंग इन कंज्यूमर सोसाइटी, इसे लोग जो सेक्रीफाइस के कंपैरिजन में अपने खुद की लाइफ को भी एक कंफर्ट जोन की तरह देखना चाहते हैं, ठीक है,
जिन लोगों ने अपने खुद के रिसोर्सेज पे अपने फैमिली के फंड पर अब्रॉड जाकर के काफ़ी पैसा स्पेंड किया और नॉलेज और स्किल्स गेन करके लेकर आए, तो ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट रियली न्यू दैट दे वुड बी एक्सपेक्टिंग समथिंग बेटर फॉर देयर ओन फैमिली एंड फॉर देमसेल्फ। अब हमारी जो सोसाइटी होती है, हमारी सोसाइटी उन पर एक तरह का एक्सपेक्टेशन का बड़ा बर्डन डाल देती है कि भाई आप हमारी सोसाइटी में एक बहुत रेडिकल चेंज लेकर आइए, रेवोल्यूशन लेकर आइए, और इसमें लगता है टाइम। अब आप देखेंगे कि इन 10-15-20 सालों में भी काफ़ी चेंज आया है इंडिया में, इलेक्ट्रॉनिक रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आए हैं, है ना, जब हमारी जो है पार्टिसिपेशन बढ़ता है गवर्नमेंट की स्कीम्स में, ज़्यादा इंटरेक्शन होते हैं पब्लिक और सोसाइटी के बीच में, एक दूसरे को लेकर के स्कीम्स के बारे में रिएक्शंस आते हैं, तो हमारी सोसाइटी काफ़ी अवेयर हो रही है। पहले हम लोग इतने कनेक्टेड नहीं थे, आज छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी है, बड़ा एक सोशल मीडिया में तूफान लेकर आ जाता है, तो हमारी सोसाइटी काफ़ी कनेक्टेड है, बट वी जस्ट नीड टू प्रोवाइड देम प्रॉपर प्लेटफॉर्म। अब हम ये नहीं बोल सकते कि दे आर वेल यू नो ए डिफरेंट क्लास, फॉर एग्जाम्पल हमारे सोसाइटी में हम उनको वेलकम करते हैं एज ए ऑर्डनरी पीपल, लाइक यू नो ए पार्ट ऑफ द फैमिली, बट जो लोग अब्रॉड जाते हैं उनकी पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन होती है, क्योंकि वो सिस्टम में बहुत कुछ चेंज देखते हैं। अब सपोज कर स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत अच्छी एक सोच लेकर आया हमारे बीच में, ऐसा पहले नहीं हुआ करते। जब मैं 2010 में अब्रॉड गया था तब उस समय स्वच्छ भारत अभियान था नहीं, और आप देखेंगे गंदगी और इस तरह से है ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फील की जाती थी कि क्लीनिंगनेस होनी चाहिए, जिससे बहुत सारी डिजीज फैलती थी। पर जब मैं वापस आया तब मैंने देखा कि इट हैड हैपन, वो चेंज हो चुका था, और आज भी आप देखेंगे तो कहीं हम अप्रिशिएट करते हैं क्लीनिंगनेस हो, तो ये अल्टीमेटली उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल हुई। पर हम कुछ लोगों को सेटिस्फाई करने के लिए पूरी सोसाइटी को चेंज नहीं कर सकते, और हम ये भी नहीं कह सकते। तो ये क्या होता है कि ये वापस एक तरह का कल्चर शॉक है, रिटर्न, इसको रिवर्स कल्चर शॉक बोलते हैं। जब बच्चे यहाँ से अब्रॉड जाते हैं तो उनके नए कल्चर से एक्सपोज होना पड़ता है, वो कुछ नई चीज़ें सीख लेते हैं, बट यू नो दे ट्राई टू ब्रिंग दोज गुड थिंग्स इनटू सोसाइटी, बट वी हैव ए स्ट्रक्चर विच इज़ रिप्रोड्यूसिंग अगेन एंड अगेन आवर ओन सोसाइटी। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पर जो रूरल सोसाइटी में जो लोग रूरल एरिया में रहते हैं, द चेंज ऑफ द पेस ऑफ द चेंज वुड बी लेस, यू नो इट इज वुड बी वेरी स्लो। लोग जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं वो धीरे धीरे चेंज होना चाहते हैं, जनरेशन के हिसाब से चेंज होते हैं, नई जनरेशन काफ़ी एडवांस होती है, पुरानी जनरेशन चेंज होना चाहती है। तो अब यहाँ पर होता है कि दोनों सोसाइटी के दोनों के एक्सपेक्टेशन में गैप आ जाता है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो लोग जो कुछ सोसाइटी के लिए करना नहीं चाहते हैं। हाँ, वी जस्ट नीड ए गुड प्लेटफॉर्म इन ऑर्डर टू मिक्स देम अप। थैंक यू। तो आप थे डॉक्टर डी के नायक साहब, जिन्होंने इंग्लैंड से पीएचडी करी और माइग्रेशन जैसे बर्निंग टॉपिक के ऊपर हमारे ऑडियंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी उपलब्ध करवाई। घमासान की टीम आपके आभारी है, मैनी थैंक्स। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साइड में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे घमासान से जुड़ी हर ताज़ा अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुँचें।